दोस्तों नमस्कार। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित एक नया अपडेट आया है, उनके ऊपर हम जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए। ये ऑफिशियल आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी जो ऑफिशियल न्यूज़ क्या चल रही है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश भर के अंदर कोरोना की लहर चल रही दोस्तों, आप सभी को पता है पूरे भारत के अंदर COVID-19 चल रहा है। दो RRB 2021 की परीक्षा का शेड्यूल एडमिट कार्ड जारी, तारीख को स्थगित कर दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे, अब देख सकते हैं कि क्या सर एडमिट कार्ड जारी होगा या नहीं होगा, उनके लिए पूरी अपडेट है। कोरोना वायरस के बढ़ते केस को RRB ग्रुप डी के लिए परीक्षा शेड्यूल एडमिट कार्ड तिथि को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आप सभी के लिए मैं आपको यहाँ चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो न्यूज़ है बिल्कुल सही और सटीक न्यूज़ है। आप सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या अपडेट है, उम्मीदवार के पास ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी करने में अधिक समय, और इससे पहले ग्रुप डी की परीक्षा CBT नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ 1 करोड़ के आसपास। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, परीक्षा शेड्यूल की बात करें, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना अभी तक जो अपडेट है वो आपको नहीं हुआ है। दोस्तों सबसे पहली पांच बातें हैं, ये चीज़ आपको ध्यान है। 1 अध्ययन रोजाना बनाएं और उनका पालन करें। पिछली परीक्षा में पूछे गए मॉक टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास देंगे तो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के बारे में आप निकल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक और अपडेट आया है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए समझ सकते हैं बिल्कुल। दोस्तों आज तक ने जो जारी किया है रेलवे ग्रुप डी से संबंधित, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 घंटे पहले का अपडेट है, रेलवे ग्रुप डी से संबंधित है, तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी से संबंधित दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट आया है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में फिर स्थगित हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर अपडेट है, देखिए RRB रेलवे NTPC नोटिफिकेशन 2012, बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट बताया कि राज्य और केंद्र द्वारा समय समय पर लगाया जा रहा कोरोना प्रतिबंध, दोस्तों यहाँ पर कोरोना के आसपास है, तो ये जो अपडेट है वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट रहने वाला है। लेकिन यहाँ इस अपडेट के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर ये भी दे रखा है कि जो आपका है 23 फरवरी से एग्जाम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी आपके मन में भी शंका है, यानी आज 6 जनवरी का अपडेट है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों 6 जनवरी का अपडेट है, तो दोस्तों पूरी डिटेल देखेंगे यहाँ पर। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की अपडेट है, रिक्वायरमेंट अगले महीने में रेलवे ग्रुप डी का पहला चरण CBT 1 परीक्षा को आयोजित करने के लिए एग्जाम में 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवार, उनके लिए एग्जाम फेस वाइज करवाया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि मार्च 2019 में जारी किए गए लंबे समय के इंतजार के बाद पिछली परीक्षाओं में बोर्ड में कोरोना महामारी के देखते हुए स्थगित कर दी। दोस्तों कोरोना महामारी से जल्द स्थगित किया। अब दोस्तों एक और जो न्यूज है, एग्जाम अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप सभी के लिए, एग्जाम अब 23 फरवरी को होगा, इसलिए बोर्ड पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन किन राज्यों में एक बार फिर से कोरोना मंडरा रहा है। दोस्तों हर राज्य के अंदर कोरोना मंडरा रहा है, तो क्या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा या नहीं होगा इनके लिए, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकांश राज्यों में शैक्षणिक संस्थाएं बंद कर दी गई हैं, पढ़ाई वापस ऑनलाइन मोड पे आ चुकी है। दिल्ली, UP, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। परीक्षा की उम्मीदवार एक बार फिर से स्थगित कर दी जाए। अभी दोस्तों ये जो अपडेट है पूरा अपडेट नहीं है, जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।